रेप पीड़ित की मां को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजने के मामले में जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी कांग्रेस की महिला विंग इस गंभीर मामले को लेकर आमने सामने है, तो वहीं इसे राजनीतिक रंग दिए जाने पर ब्राह्मण समाज के लोग भी नाराज नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में समझते हैं पूरी कहानी। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी का माहौल इस वक्त काफी गर्म है। यहाँ एक रेप पीड़िता की विधवा माँ को काउंटर केस में पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजने के बाद से ही ब्राह्मण समाज समर्थन में आ खड़ा हुआ है। वहीं हिंदूवादी संगठन भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। इतना ही नहीं, इस मसले पर बीजेपी कांग्रेस भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं। देखिए, वो एक विधवा है, अपने परिवार, उनके कोई भी परिवार में पुरुष नहीं है और वो उनका परिवार भरण पोषण वही करती है और उनको आज वो शासकीय आंगनवाड़ी में काम करती है और इस प्रकार की झूठा केस लगा करके और उनको जेल में डाल दिया गया है। और हम भारतीय जनता पार्टी आज एक आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन सांकेतिक एक आंदोलन कर रहे हैं और हम थाना के सामने कर रहे हैं। जो भी इसमें घटना घटा है वो भाजपा के पार्षद द्वारा ही किया गया है और भारतीय जनता पार्टी आज दिखावा करने जा रही है और पूरा भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा करते हैं और भानु प्रताप को ही ले जी, वहाँ के एक बलात्कारी को ही वहाँ का टिकट दिए थे और अभी दिल्ली में हमारी महिला पहलवानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा घटना कर रहे हैं, पूरा देश को पता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा कर रही है। उधर हिंदूवादी संगठन और ब्राह्मण समाज के लोगों ने रेप जैसे सेंसिटिव मामले पर राजनीति नहीं करने की हिदायत दी है। जो कोई लोग भी राजनीति कर रहा है उस महिला का राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहा है, जिसकी समाज के लोगों को सहित सारे लोग को निंदा करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ एक बच्चे का मामला है, दूसरी तरफ एक विधवा महिला है। आप इस बात को समझें, इस कृत्य को करने वाला लोग जो इस कृत्य को अंजाम दिए उससे भी ज़्यादा घिनौना काम कर रहे हैं यदि इसमें राजनीति रोटी सेक रहे हैं तो। फिलहाल इस मामले पर जिला प्रशासन बेहद संजीदा नजर आ रहा है। यही वजह है कि इस मामले में 4 सदस्यीय टीम ने जांच भी लगभग पूरी कर ली है ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जा सके। उमेश मौर्य,